इटावा बरेली हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने गड्ढे हादसों की वजह बन गए हैं। तालाबाद से मूंगफली का बीज खरीद वापस आ रहे जनपद मैनपुरी के थाना एलाऊ क्षेत्र के 1.5 दर्जन किसानों से भरी पिकअप गड्ढों की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कि 14 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने 108 एम्बुलेंस से सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं देर रात जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक किसान की मौत हो गई। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में इटावा बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेंट्रल जेल चौराहा से पहले रिलायंस पेट्रोल पंप के पास करीब 20 क्विंटल मूंगफली भरी पिकअप का अगला पहिया गड्ढे में जाने से अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके चलते पिकअप के डाले पर बैठे 14 किसान मूंगफली के पैकेट्स के नीचे दब गए। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने सभी को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लोहिया भेज दिया गया। ये बोलेरो की पिकअप है जो जलालाबाद से मैनपुरी जा रही थी। किसान का जो बीज था मूंगफली का, उसको लेके जा रहे थे। उसमें करीब 14 जो किसान थे वो सवार थे। वो एक्चुअली जो रोड है भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उससे वो आगे सामने लाइट पड़ने की डिसबैलेंस हुई और वो गाड़ी थोड़ा सा पलट गई, जिसमें करीब 5-6 जो उसमें जो सवार थे वो घायल हुए हैं। अभी डॉक्टर से बात किए, सभी खतरे से बाहर हैं। किसी को कोई गंभीर चोट नहीं है, सुपरफिशियल जो स्क्रैचेस हैं वो हैं, और सुबह तक सबको डिस्चार्ज कर। चालक की क्या हालत है? और चालक बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल अपने होशोहवास में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पिकअप है उसको भी सीधा करा दिया गया है, और जो उनका जो सामान है उसको भी लोड करवा रहे हैं और गंतव्य स्थान करवा रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।